जय गणेश। मैं हूं नरेश एस्ट्रोलॉजर और आज का ये वीडियो है वृषभ राशि के लिए सितंबर 2017 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह शुक्र ग्रह के बारे में। तो शुक्र ग्रह का जो भ्रमण है वो आपकी राशि से तीसरे स्थान के अंदर है। 15 सितंबर तक तीसरे स्थान में चलने वाले शुक्र आपके लिए बहुत शुभ है, नए साहस करवाएंगे, नए साहस से आपको लाभ भी रहेगा। और उसके बाद जो शुक्र का भ्रमण है वो चतुर्थ स्थान में होने वाला है, वो भी आपके लिए बहुत शुभ है। प्रॉपर्टी रिगार्डिंग आपके कार्य हो सकते हैं, माता से लाभ रहेगा, पिता से लाभ रहेगा और जॉब में आपका एप्रिसिएशन होगा, जॉब में भी आपकी बढ़ोतरी हो सकती है। तो बहुत शुभ समय है आपके लिए। लव मैटर में भी सक्सेस देने वाला है क्योंकि शुक्र का तीसरे एवं चतुर्थ स्थान के अंदर भ्रमण बहुत शुभ माना गया है। बात करेंगे अभी सब ग्रहों की ट्रांजिट के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन जो है वो चंद्र राशि आधारित है। यदि आपके जन्म के चंद्र वृषभ राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। यदि आपके जन्म के सूर्य भी वृषभ राशि में है, यानी कि कोई भी साल के अंदर 15 मई से 15 जून के बीच में आपका जन्म हुआ है और यदि आपके जन्म के सूर्य वृषभ राशि में है तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला होगा। और यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों वृषभ राशि में है तो ये प्रेडिक्शन आपको बहुत ज़्यादा असर करने वाला होगा। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे सूर्य ग्रह के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दें कि ये प्रेडिक्शन यदि आपको पसंद आता है तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। यदि आपकी कोई मित्र है वृषभ राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करवाएं ताकि उनको भी प्रेडिक्शन का लाभ मिल सके। प्रेडिक्शन में अभी बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में। तो सूर्य ग्रह का जो भ्रमण है वो राशि से चतुर्थ भाव के अंदर है। चतुर्थ भाव में सूर्य ग्रह का भ्रमण शुभ नहीं माना गया है। 17 सितंबर 2017 तक राशि से चतुर्थ स्थान के अंदर चलने वाले सूर्य आपके लिए शुभ नहीं होंगे, क्योंकि चतुर्थ स्थान जो है वो सुख का स्थान माना गया है। यहाँ पर सूर्य बहुत उग्र ग्रह है, तो सूर्य ग्रह का जो चतुर्थ स्थान के अंदर फल है बहुत शुभ नहीं है, सुख की अनुभूति नहीं होती है, टेंशन वाली सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर मंगल भी साथ में चल रहे हैं सिंह राशि के अंदर, तो यहाँ पर अंगारक योग बनता है। 17 सितंबर 2017 तक का समय आपको एकदम शांति से पास करना होगा, खास करके आपको रिलेशनशिप में केयर करना होगा माता एवं पिता के साथ। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो अपर लेवल के साथ टेंशन कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए उसका आपको खास केयर करना होगा। 17 सितंबर के बाद सूर्य चलेंगे राशि से पंचम स्थान के अंदर, तो ये आपके लिए मध्यम फलदायी है। खास करके जो भी जातक शेयर बाजार के रिगार्डिंग कोई कार्य कर रहे हैं इनके लिए समय शुभ नहीं होगा 17 सितंबर के बाद। बुध ग्रह का जो भ्रमण है वो सिंह राशि में शुभ माना गया है। चतुर्थ भाव में बुध आपके बिजनेस में वृद्धि करने वाले होंगे। बुध का भी ये भ्रमण 26 सितंबर तक है, उसके बाद चलेंगे पंचम स्थान के अंदर, तो 11वें स्थान में दृष्टि करेंगे तो कन्या में बुध जो है वो उच्च के हो जाते हैं, तो पंचम स्थान के अंदर बुध का भ्रमण आपके लिए शुभ रहेगा। महत्व की एक ट्रांजिट हो रही है इस मंथ के अंदर, गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। गुरु आपके पंचम स्थान से निकलकर 6वें स्थान के अंदर चलेंगे, जो आपके लिए शुभ बनने वाले हैं। जो भी जातक पढ़ाई कर रहे हैं उनको पढ़ाई में तरक्की होगी, क्योंकि जो लास्ट ईयर जो गुरु चल के आते हैं कन्या राशि में, तो गुरु के लिए ऐसा कहते हैं कि भावति भव दोष कारकम। इस सिद्धांत के अनुसार गुरु पंचम स्थान में दोष कारक थे पढ़ाई के लिए, तो पढ़ाई करने वाले जातक के लिए गुरु शुभ बनने वाले हैं, क्योंकि पंचम स्थान से निकल कर 6वें स्थान में चलेंगे तो ये आपके लिए शुभ बनेंगे। और गुरु वैसे भी 6वें स्थान में शत्रु विजय करवाने वाले बनेंगे, 6वें स्थान में हर ग्रह शुभ फल देते हैं। गुरु की जो दृष्टि पड़ेगी आपके कर्म स्थान के अंदर, तो बिजनेस में कैरियर में प्रोग्रेस करवाने वाले बनेंगे। भले आपके शनि आपके अष्टम स्थान के अंदर चलने वाले हैं आने वाले समय में, लेकिन गुरु का आपको सपोर्ट मिलने वाला है। गुरु आपके 6वें स्थान से कर्म स्थान को इम्प्रूव करेंगे, तो बिजनेस में कारोबार में वृद्धि होती है। एब्रॉड रिलेशन और एब्रॉड कनेक्शन से आपको बेनिफिट रहेगा। और नवम दृष्टि जो पड़ती है कुटुंब स्थान धन स्थान के अंदर, तो कुटुंब सुख धन सुख में वृद्धि करने वाले बनेंगे। तो आने वाले जो गुरु का समय है आपके लिए बहुत शुभ है।
बिजनेस में कारोबार में खास करके आपको तरक्की करवाने वाले बनेंगे। राहु आपके पराक्रम स्थान में है, केतु आपके भाग्य स्थान में है, तो मध्यम फलदायी केतु मध्यम फलदायी है, राहु आपके लिए शुभ है, नए साहस करवाएंगे। और खास करके इस मंथ के अंदर आपको कौन कौन से डेट्स केयर करना है वो इस प्रकार है। एक और दो को चंद्र चलते हैं धन राशि में, तो धन के चंद्र आपके राशि से आठवें स्थान के चंद्र बनते हैं। आठवें चंद्र में आपको पानी से सावधान रहना है, व्हीकल में केयर करना है और फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में विशेष केयर करना है। डेट्स आपको केयर करना है 9, 10 और 11 जिसके अंदर चंद्र चलेंगे मेष राशि में, तो मेष के चंद्र राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र के अंदर भी आपके आपको कोई भी डिसीजन जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। वंस अगेन आपको डेट्स केयर करना होगा 27, 28 और 29 जिसके अंदर चंद्र जलेंगे वृषभ राशि में, तो वृषभ के चंद्र आपके राशि से 8वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 8वें चंद्र में आपको पानी से सावधान रहना है, फैमिली एवं फाइनेंशियल मैटर में केयर करना है और व्हीकल ड्रा में केयर करना है। तो ये था प्रेडिक्शन वृषभ राशि के लिए सितंबर 2017 का। यदि आपके कोई मित्र है वृषभ राशि वाले तो वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें, गूगल प्लस व्हाट्सएप इत्यादि माध्यम से अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।